नमस्कार साथियों, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज समुच्चय के क्रम में है पार्ट टू, और इसमें समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कैसे है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में आगे भी वीडियो चलते रहेंगे, तो वीडियो चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दे दें। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय के प्रकार की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला समुच्चय का प्रकार जो आता है वो एकल समुच्चय की हम बात करेंगे। एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। तो एकल समुच्चय क्या होता है? मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वह आपका सिंगल सिंगलेटन या एकल समुच्चय कहलाता है। जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ये आपका दे दिया गया, ये सेट है, इसमें कोई एक अवयव डाल दें, डाल दिया। ये है, इसमें कोई एक अवयव डाल दें। ये है, इसमें कोई एक अवयव डाल दें। ये है, इसमें कोई एक अवयव डाल दें। तो ये सभी क्या है? सिंगलेटन सेट। या फिर एक और एग्जांपल इसका बता देते हैं, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये भी आपका क्या है? सिंगलेटन सेट। क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो यहां पे निकल के आएगा x इज इक्वल टू 4। तो क्या है? सिंगल वर्ड, सिंगलेटन सेट है। तो इस प्रकार से ये एकल समुच्चय हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंगलेटन सेट के बाद में परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो उस समुच्चय को हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे ए ई आई ओ यू, ये क्या है? पांच स्वरों का समुच्चय है। निश्चित है कि पांच स्वर है, इंग्लिश वर्णमाला में पांच स्वर होते हैं, तो उनका समुच्चय दिया गया। और देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहां भी परिमित समुच्चय निश्चित है, क्योंकि जो विषम सम संख्याएं हैं 10 तक की दी गई है। तो यहां भी ये एक परिमित निश्चित समुच्चय। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय आपका परिमित नहीं है, वो सभी समुच्चय अपरिमित समुच्चय होते हैं। या जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5... तो ये अपरिमित है, यहां पे निश्चित नहीं है संख्या कि इस समुच्चय में कितने अवयव दिए गए हैं। और भी हो सकते हैं इस प्रकार के अपरिमित सेट, जैसे x सच दैट x पूर्ण संख्या है, ये भी आपका अपरिमित सेट में आ जाएगा। और भी इस प्रकार से कई एक अपरिमित सेट हैं। अब इसकी कुछ विशेष चीजें, यहां पे विशेष स्थितियां हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और इनसे लगभग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इनकी बात हम करते हैं। तो विशेष में नंबर वन है, जैसे यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह अपरिमित होगा। ये कन्फर्म है, कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो अपरिमित होगा, ये बिल्कुल 100% सत्य है। सेकेंड कंडीशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड कंडीशन, इसको देखते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता है, सिंगल रिक्त नल सेट जिसको हम कह सकते हैं, नल सेट रिक्त समुच्चय। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रिक्त समुच्चय परिमित में गिना जाए या फिर अपरिमित में। तो जो रिक्त समुच्चय होता है वो हमेशा परिमित में गिना जाता है। रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है।
ठीक है, रिक्त समुच्चय परिमित होता है। तो ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इनको मैंने बता दिया है। अब इसको क्यों गिना जाता है रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें जो अवयव की संख्या होती है वो शून्य होती है, यानी कि कोई अवयव नहीं होता है, इसलिए इनको हम किसमें गिनते हैं, परिमित समुच्चय। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट समुच्चय की बात कर लेते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। और एक तरीका हो सकता है जिससे हम कहें x such that x square is equal to 4, विषम संख्या, तो ये भी आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि x square is equal to 4 है। यहां से अगर हम मान निकालेंगे तो x is equal to plus minus 2 निकल के आएगा, और 2 क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है, ओ सॉरी सम संख्या है, जबकि हमें चाहिए विषम, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं समान समुच्चय की। समुच्चय समान यानी कि इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, देखते हैं इसको। इक्वल सेट में क्या होता है, जब दो समुच्चय हैं, मान के चलिएगा ए और बी दो समुच्चय हैं, और ये समान कहलाते हैं जब नंबर एक, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, अर्थात x belongs to A और this belongs to x belongs to B, x A में है और x B में भी हो। और दूसरी कंडीशन इसी में है कि B का प्रत्येक अवयव A में हो, अर्थात मान के चले कि बाई कोई अवयव है और वो B में है, तो वो बाई अवयव A में भी हो। इन कंडीशंस में क्या होता है, ये ए और बी ए इक्वल टू बी होंगे, अर्थात समुच्चय ए बी के बराबर तभी होगा जब ए का अवयव बी में हो और बी का अवयव ए में हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, दो पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें उपसमुच्चय उपसमुच्चय की बात करते हैं, और दूसरा उचित उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट्स, सबसेट्स ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको अगर समझ लिया तो समझिएगा आपको जो ऑपरेशंस आगे पढ़ने हैं सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से लिंक्ड है। तो इसमें क्या है, माना यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तब ए के सभी, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, फिर समझिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, और इसको ए सबसेट ऑफ बी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू ए और कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के सभी अवयव
बी के भी अवयव हो तब ये कंडीशंस अप्लाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसे कहते हैं उपसमुच्चय। अगर नहीं है यहीं पे, अगर कंडीशन एक और है, यदि ए यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी से दिखाते हैं। अब यहाँ पे दो स्थितियां और इंपॉर्टेंट बनती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर एक कंडीशन है रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है फाई, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट इसी में एक और है इंपॉर्टेंट, वो ये है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और एक चीज तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि यदि हमें किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2n होता है, जहां पे n क्या है अवयवों की संख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपसमुच्चय। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उचित उचित उपसमुच्चय। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके यूजेज बहुत हैं, एप्लीकेशंस बहुत हैं, इनके आधार पर जो ऑपरेशंस आगे पढ़ने हैं उनमें सभी में इसका प्रयोग होना। तो इसमें क्या है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है परंतु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है परंतु b डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, b डज नॉट इज इक्वल टू जीरो अर्थात b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इसको ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऐसे दर्शाते हैं। अब दोनों पॉइंटों में जो इंपॉर्टेंट अंतर है, मुख्य अंतर किसमें उचित उपसेट और उपसेट में, वो ये है कि जो उपसमुच्चय है इसमें क्या है, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव होंगे, तब हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। और उचित सबसेट में
उचित यानी प्रॉपर सबसेट में, इसमें क्या है, ए के सभी अवयव बी में तथा कोई एक अवयव, कोई एक अवयव ए में ना हो, तब आपका ये बनता है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें अंतर का, इनको परिभाषा बहुत ही हिसाब से समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा इसका वीडियो पार्ट थ्री, सबसेट का, सेट का, समुच्चय का पार्ट थ्री, उसमें हम ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।